प्यारे से रंग चले, लगे जिया पे जैसे गोली, सब रंग जाएं मस्त रंग में, मिलकर कहें हैप्पी होली। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। कविता हल्की लगी है तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, एक से बढ़कर एक भारी भरकम शख्सियतें यहां पर आने वाली हैं हमारे साथ होली खेलने के लिए। काशी नरेश के महल में हम मौजूद हैं, पीछे से गंगा जी बह रही है, क्या दिव्य अद्भुत नजारा है, हर रंग यहाँ पर है। देखिए जलेबी छन रही है, वहां पर कुएं का प्रबंध है, गुजिया भी रखी हुई है, मुंह में पानी सा आ रहा है, यहाँ ठंडई की क्या पूरा की पूरी तैयारी है देखिए। और साथ ही पीछे जाएं तो बनारसी पान का भी प्रबंध यहाँ पर है। लेकिन कौन कौन आ रहा है हमसे मिलने के लिए, इसमें जानने की आपकी दिलचस्पी होगी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा ठंड रखिए, क्योंकि एक एक करके आएंगे, एक एक करके आपसे परिचय हम कराएंगे। पहला वो शख्स हमारे बीच आने वाला है जिसकी इतनी पहचान है कि परिचय का मोहताज नहीं। स्वागत कीजिए मेरे साथ कुमार विश्वास का। तैयार है हमारे संग होली खेलने के लिए? आपके संग होली खेलने में तैयार है। सबसे पहले तो आप ही को रंग लगाया जाना चाहिए, तो बिना रंग के आप अच्छी नहीं लग रही हैं। ये रंग का, उमंग का, भंग का त्योहार है होली, और जिस समय पूरा देश इसे मना रहा है, पूरी दुनिया में अकेला त्योहार है विश्व के त्योहारों की परिकल्पना में जहाँ सब एक जैसे हो जाते हैं, तो श्वेता श्वेत वर्णी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही। हाँ। सप्तरंगी श्वेता ज्यादा अच्छी लग रही है मुझे लगता है। ये सारे कैसे दिख रहे हैं आपको अभी? ये सब तो एक रूप हो गए हैं, शंकर जी के बराती हैं। बनारस में शंकराचार्य के तप की भूमि है, कबीर की भूमि है, तुलसी की भूमि है, मदन मोहन मालवीय की भूमि है, चंद्रशेखर आजाद ने अध्ययन किया है, और इस गंगा की सदा नीरा ने, इस गंगा की धारा ने एक तरफ उठती हुई मणिकर्णिका की शाश्वत लपटें देखी हैं और दूसरी तरफ सरसों के पीले फूल देखे हैं, और मृत्यु और जीवन की साक्षी गंगा के किनारे हम लोग हैं। हाँ। इससे बेहतर क्या हो सकता है? इससे बेहतर थोड़ा सा और हो सकता है? इससे बेहतर हो सकता है कि लोक रंग इसमें डाला जाए, फोक इसमें डाला जाए। हाँ। देखिए, होली मतलब ब्रज की होली, कन्हैया और राधा की होली, जिसमें राधा अपनी सखियों के साथ एक काम विजेता को अपने घर में बंधक बना लेते हैं। होली मतलब अवध की होली, जहाँ सदा शालीन दिखने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी होली में जब होली खेलते हैं तो पूरा लोक गा उठता है कि होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। तो मुझे लगता है कि लोक रंग के लिए, लोक का स्वर बिखेरने के लिए मालिनी अवस्थी से बेहतर नाम नहीं हो सकता। उन्हें एक बार आप आमंत्रित कर दीजिए। मालिनी अवस्थी का स्वागत कीजिए। अरे खेलाता भी जली बदनिया, के रंगवा औरिया भी, अरे खेलाता भी जली बदनिया, रंगवा औरी अबीर, रंगवा औरी अबीर, अरे खेलाता भी जली बदनिया, के रंगवा खेलाता भी जली बदनिया, किसन मोरारी संग राधिका जी खेले, किसन मोरारी संग राधिका जी खेले, अरे पर्वत ऊपर माजा शंकर जी लई, शुरू कैली है स्कूल लोगन के साथ चाहिए। हाँ। अरे गौरा के बीजला चीर हो, अरे खेलता भी जली बदनिया, पर्वत ऊपर माजा शंकर जी लैले, गौरा के
जली बदनिया अबीर खेलता भी जली बदनिया अबीर खेलता भी जली बदनिया अबीर खेलता भी जली बदनिया भाग और धमार और आज तो ऐसन माहौल जमा है बाबा की काशी में किरंगा औरी अबीर खेलता भी जली बदनिया किरंगा औरी अबीर खेलता भी जली बदनिया और खेलता भी जली बदनिया और खेलता भी जली बदनिया मालिनी जी अद्भुत आपने लोक रंग जमा दिया और एक बात आज हमने सिद्ध कर दी क्या वो ये कि कितना भी जैज आ जाए पॉप आ जाए जो देसी है वो देसी रहता देसी है। देसी रहता है सही वो कितना भी आप पिज्जा बर्गर खा लीजिए मैं उनके विरोधी नहीं हूँ लेकिन वो जो माँ ने तल के पूड़ियाँ खिलाई वो आपने सिद्ध किया और सबसे बड़ा योगदान आपका इसमें ये है कि आज तक लोक रंग गृहस्थी से थोड़ा दूर था लेकिन अभी जब आपने प्रस्तुति जब आई तो ऐसा लग रहा था कि भरे पूरे परिवार के किसी बीच चौपाल पर होली के दिन बहनें आई हुई हैं भाभियां आई हुई हैं तो लोक का रंग जम रहा है भाई एक बार तालियां तो बनती हैं बहुत जोरदार लेकिन हम श्वेता जी वो ये कि हम लोग तो कार्यक्रम करते हैं और मैं तो हमेशा किसी भी मंच को मंच नहीं मानती आंगन मानती हूँ लेकिन आज यहाँ पर आज तक ने जो ये महफिल बनाई है मतलब मैं शुरू से सोच रही हूँ कि मतलब वो जलेबा खाना है मुझे और पान खाना है अपना वही पारिश्रमिक हमारा यही पारिश्रमिक है हमारा आपका यही पारिश्रमिक बिल्कुल यही पारिश्रमिक तो मुझे लगता है इसके लिए बधाई होनी चाहिए क्योंकि माहौल ऐसा जम गया था और मैंने जब यहाँ देखा ये अपने सब रंगे हुए सारे अपने भाइयों को तो बस हमने कहा होली खेल ली जाए शंकर की नगरी में आप हैं जी। और देवाधिदेव के स्थान पर आप हैं शाश्वत गंगा के तट पर आप हैं हम लोग थोड़े लालची हो गए अच्छा। हमने एक जो गा दिया ना और इतना लोग झूम गए हैं पूरा देश इस समय देख रहा है जी। एक जरा और हो जाए आप भी मानते कि नहीं मानते एक और हो जाए बिल्कुल आंगन आपका मंच है आंगन आपका इंतजार कर रहा है हाय मैं तो अरे सोए रही सपने में वाह मुँह पे रंग डारो नंद लाल हो बाके बिहारी लाल के रे मैं तो सोए रही सपने में मुँह पे रंग डारो नंद लाल रे मैं तो सोए रही सपने में वाह
होरी खेली सो मनमानी, गाना सो खेली मनमानी, होरी खेली सो मनमानी, मारी पिचकारी देख आ रहा ना रा 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 रा। ओ, 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 मारी पिचकारी देख आ रा 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 रा। मोरी चूनर कर दई लाली में तो, हाय में तो, अरे में तो सोई रही सपने में, ओ पे मस्ती में आई है। आपने पूरा आज तक और बाहर बैठे हुए सारे दर्शक हमारे सब रंगों से सरोबार कर दिए और बाके बिहारी को आपने स्मरण कर लिया। मुझे याद आता है श्वेता, देखिए रसखान की एक पंक्ति है, शाम को गोपिका मुंह धो रही है और उसकी माँ पूछ रही है कि अबीर निकला या नहीं निकला, गुलाल निकला या नहीं निकला, तो भोली गोपिका कहती है कि कड़गो अबीर पे अहीर को कड़े नहीं। अबीर तो निकल गया पर वो भुवन मोहन कन्हैया की जो छवि आज सुबह आंखों में बस गई है वो नहीं निकलती। लोग को आनंदित करते रहते हैं वो सदा और आज आपने उन्हें जीवित कर दिया। हम आपकी लोक प्रतिभा को प्रणाम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मालिनी जी को बिठाए उनके मंच पर। आइए आइए मालिनी जी, हमने तो आज होली खेल ली पूरी। अरे अभी कहां होली खेली है, अभी बैठिए आप, अभी और होली खेलेंगे। अभी तक आपने रंग लगाया है, अब हम लगाएंगे। कुमार भूख सी लग रही है, एनर्जी लेवल, उनका एनर्जी लेवल देखिए कितना अद्भुत है मालिनी जी का। नहीं और मालिनी जी ने जिक्र कर दिया यहाँ जलेबी छन रही है, वहाँ कुआ है। लेकिन अब देखिए, अरे जलेबी मिलेगी, अभी बनाइए भैया जी, जलेबी मिलेगी क्या? हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, ये अद्भुत कला है अपने आप में जलेबी भी। हाँ देखिए आप, लेकिन जलेबी जैसे गोल गोल होती है जी, बातें भी कई बार गोल गोल होती है, उसे हम कहते हैं व्यंग, वो कहलाता है सटायर। और आपने बच्चा याद दिला दिया, चलिए ये तो अभी पकेगी, रस में छनेगी और उसके बाद ये इस लायक होगी कि हम इसे खा सकें। लेकिन व्यंग पर मुझे याद आया, होली में परिहास ना हो तो काहे की होली, होली में ठिटोली ना हो तो काहे की होली, ये बात भी है। और ठिटोली का, परिहास का और शब्द की इस जलेबी बनाने का एक बहुत बेहतर नाम हमारे पास है। तो आइए स्वागत करते हैं संपत सरल का, व्यंग के बहुत बड़े रचनाकार, जोरदार तालियों से संपत सरल का स्वागत। गुलाबी नगरी जयपुर से आए हैं। हाँ। और ये देखिए कि ये होली के कवि सम्मेलन में चले आए हैं बिना रंगों के। श्वेता जी, अगर ऐसा ना हो कि इनको रंग ना लगे तो जरा आनंद नहीं आएगा थोड़ा। अगर मैं, आपने हरा उठाया तो मैं पीला डालूंगी। हाँ ये देखिए, कॉम्बिनेशन तो बने। पीला चेहरे पे लगा रहा, आप जैकेट ही पहली पहन रहे बस तो आप नाम के सरल हैं। बात ही सरल है नहीं। आप अभी हम जलेबी देख के आए और आपके बारे में यही कहा जाता है कि आप बात इतनी घुमा देते हैं, तो ये बचपन से ऐसे ही थे या बाद में आपने हासिल किया इस तरह का हुनर? कुछ बचपन से थे, कुछ बाद में हासिल किया, कुछ लोगों ने बना दिया, कुछ जिंदगी पढ़ी, कुछ किताबें पढ़ी, कुछ आप जैसे लोगों की संगत की। क्या बात है, मेरे बारे में तो लोग कहते हैं कुसंग, आपने सत्संग किया ये भी अच्छा है। वो तो शिष्टता में कह रहा हूँ, सत्संग। चलिए संपत जी, आपने भी यही कहा, तो आज हमारे दर्शकों को रंग का दिन है, त्योहार है, होली है, क्या सुनाना चाह रहे हैं और क्या आपके अनुभव रहे हैं? राजनीति मेरा प्रिय विषय है, वैसे समाज में जो विसंगतियां विडंबनाएं देखते हैं। इस विषय में आप बिना एग्जाम दिए पास हो गए, जैसे मैं तो चुनाव लड़के फेल हुआ, तो आप कैसे? आपके हम तो स्कूली दिनों से ऐसे ही थे। अच्छा, स्कूली दिनों से बिना वो सब आपको चुनाव का सहारा लेना पड़ा, हम स्कूली दिनों से ऐसे। स्कूली दिनों से आप राजनीति के विद्यार्थी हैं जी। संपत जी, समाज में जो करुणा है जी, उसको हम हास्य की टकसाल में ढालते हैं अपने शब्दों के माध्यम से। किसी शायर का एक शेर भी है जी, कि हंसता हूँ आसपास के आंसू समेट कर, वो क्या खाक हंसेंगे जिन्हें रोना नहीं। बहुत अच्छे, वाह क्या बात है। अभी मालिनी अवस्थी जी का गीत इतना मीठा हमने सुना। हाँ। उसके बाद कई लोगों ने जलेबी चखी। मेरा हास्य व्यंग सुनने के बाद में आप जो है इतने आश्वस्त हो जाएंगे कि कल तक हर आदमी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। और ये मैं कोई चुनावी जुमला नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, मैं आज तक चैनल को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि होली के अवसर पर लोगों को सुनवाने के लिए आपने एक कवि बुलवाया, अन्यथा आजकल कवियों को कोई सुनता नहीं है। बिल्कुल, मैं तो पिछले दिनों बैंकॉक जा रहा था, फ्लाइट में पास वाली सीट पर एक सज्जन बैठे थे, उन्होंने टाइम पास के लिए पूछ लिया जी क्या करते हो, मैंने कहा जी कवि हूँ, और मैंने पलट के पूछा आप, वो बोला जी मैं तो बह रहा हूँ। नहीं, यहाँ तो सब सुनना है आपको। नहीं,
जैसे मैं कल एयरपोर्ट पे उतरा, कई परिचित लोग मिल गए, बोले संपत सरल जी आपको यूट्यूब पे सुनते हैं, फेसबुक पर पढ़ते रहते हैं, वैसे आप कहाँ के हो? मैंने कहा भैया शादी को 23 साल हो गए, कहीं के नहीं। बहुत अच्छे संपत जी। परिवर्तन भी बहुत हुआ देश में। मनमोहन सिंह जी बोलते नहीं थे, मोदी जी सुनते नहीं। मनमोहन सिंह जी ने न बोलने की परंपरा अंत तक निभाई। मोदी जी को जीत की बधाई भी मनमोहन सिंह जी ने मिस कॉल से दी। शादी होते ही प्यार का बुखार उतर जाता है। मेरे एक मित्र ने प्रेम विवाह किया। प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल रहे। और ताली तो अगली बात पर बजाओगे, जिस लड़की को लेकर भागा था अब उसको देखते ही भागता है। शादी के 3 दिन बाद मिला, मैंने कहा नया नया प्रेम विवाह किया, पत्नी को लेकर सिनेमा जाए, सैर सपाटा कर क्या मंदिर मंदिर भटकता है? बोले भाई साहब सुना है जोड़े ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढ। बहुत बहुत बधाइयां आपको, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं संपत सरल जी। और आपने बताया कि व्यंग जो है वो देवर की बाह में काटी हुई भाभी की चुटकी जैसा होता है, जो दर्द तो करता है पर मीठा मीठा दर्द करता है। तो मेरा मन है कि एक ऐसे कलाकार को बुलाया जाए जिसके बारे में मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि उन्होंने अपने लोक रंग को विश्व रंग बनाया है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भोजपुरी सुनने वाले हैं, उन लोक भाषाओं का आनंद लेने वाले हैं, उनका बहुत दुलारा स्थान है। राजनीतिक तौर पर आपके विरोधी हैं, लेकिन वो राजनीति देखिए वो अलग अलग है, विरोधी नहीं है। अभी अभी संपत सरल जी ने कांग्रेस पर सुना दिया, बीजेपी पर सुना दिया, अभी तो मैं सुनूंगी आम आदमी पार्टी पर भी उनसे, क्योंकि होली का त्योहार है, कोई नहीं बचना चाहिए, कोई नहीं बचना चाहिए। अभी स्वागत किसका करें हम? अब हम बुलाते हैं मनोज तिवारी को जोरदार तालियों से। आओ मनोज भैया आओ। हरे रंग बरसे हो रंग रसिया, हरे किनो मारी पिचकारी, हरे भीगे मोरी अंगिया। रंग रसिया रे रंग रसिया, अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, 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 रंग बरसे हाँ रंग बरसे। इतने सूखे सूखे आए आप होली खेलने के लिए? अरे बेला चमेली का सेजा लगाया, बेला चमेली का बढ़िया, बेला चमेली का, बेला चमेली का सेजा लगाया। और आगे जानते हो कौन क्या करते रंग बरसे। देखो मनोज भैया, तुम्हारे बड़े और हमारे बड़े दोनों यहाँ से लड़े थे, और दोनों काम धंधा पे लग गया, तो हम दोनों भी अपना काम धंधा पे लगे अब गाने के पे। अब सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। लेकिन ये बाबा भोलेनाथ की धरती है, जो भी यहाँ से लड़े वो बड़े ही बड़े, बड़े ही बड़े। तो क्या सुनाया जा रहा है आज? बस भैया देखिए, जो ये जो आवाज सुनाई दे रहे हैं, हर हर महादेव, इसमें आज हमारे बनारस में जहां भी जाइएगा, हमारे यहाँ कोई भूखा नहीं रहता, कोई नंगा नहीं रहता, कोई कपड़ा में है तब भी वो कपड़े में है, कपड़ा में नहीं है तो भी वो बहुत कपड़े में है, तब वो रजाई में है। मसाने में होली, ऐसे हमारे हमारे बाबा की नगरी है। अरे खेले मसाने में होरी, हो भोला खेले 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 मसाने में होरी। अबीर गुलाल नभ छाई रहे गंगा तटी, हर साई रहे। अरे गाजियाबाद से
रामनगर तक उड़त है नभ में रोरी रे खेले मजाने में। हर हर महादेव शंभो। भैया हाँ, आपका बहुत स्वागत है बनारस में, रामनगर, रामनगर के किले में, जहाँ से मेरे भैया लोग, दुनिया भर में जो लोग देख रहे हैं, थैंक यू, आज तक आपने एक ऐसे मिट्टी पे होली का सब कुछ सजाया। श्वेता जी, थैंक यू वेरी मच। ये होली हम बनारस के रहते हुए, हम पहली बार रामनगर के किले में आए हैं। अच्छा, पहली बार मैं आया हूँ, बाहर से आया हूँ, तोप देख के चला गया था। और आज मुझे व्हाइट हाउस और मोदी की कहानी याद आ जा रही है ये सुनकर। बाहर खड़े होकर मैंने तस्वीर खिंचाई थी, आज देखिए मैं अंदर जा रहा हूँ। क्या बात है। देखिए, पुरानी चीजों को याद रखने का बहुत फायदा है। हाँ। जो जड़ को भूल गया वो तो फिर फुनगी को नहीं छू सकता। तो ये बताओ भैया, बोलते हैं तो मनोज तिवारी जो भोजपुरी के इतने सबसे बड़े स्टार, जिन्होंने पूरी दुनिया में उसको पहचान दिलाई, आज मैं देख रहा हूँ कि होरिया होली में थोड़े होरिया गए हैं। थैंक यू श्वेता जी, और थैंक यू आज तक। ये क्या है भैया, तो भोजपुरी में सब सुनने के लिए तैयार बैठा हुआ जो जवान है, माँ बोली जिसके आप स्टार हैं, जिस मिट्टी की धमके हैं, तो एक जरा तड़फड़ाती भाग सुना दे। अरे होली के रंग अलबेला, अमन हमार बहकेला, अरे यही जे दो काल लगाई, अरे भांग छान के आई, अब बैठब यही चमुहान पे, अरे रोरी बरसे अबीर, रोरी बरसे, रोरी बरसे अबीर, रोरी बरसे, रोरी बरसे अबीर, रोरी बरसे, अरे होली के रंग अलबेला, हमरो मन बहकेला, ए जे दुकान लगाइब, भांग छान के आइब, बैठब यही चमुहान पे, रोरी बरसे अबीर, रोरी बरसे, अरे रोरी बरसे अबीर, रोरी बरसे, भरे से हो भर के झोरी, झोरी बरसे, चरल बिजुरिया रंग बरसा के बल्टी में ले ले हो रंग के, जाने ककरा पर लगवाई, कब्र सी कितना पर जाई, कहवा जाके जी गिर जाई, कितना लाई के डरवा में आई। बहुत अच्छा, यही रंग है मनोज जो पूरी दुनिया में जाता है। और मैं ये नहीं कहता कि आप हिंदुस्तान के रिकी मार्टिन हो, हिंदुस्तान के एनरिके हो, आप हिंदुस्तान के मनोज तिवारी हो, और वो बनारस के गंगा किनारे वाले मनोज तिवारी हो, बीएचयू के हॉस्टल से जिसकी आवाज गूंजी और पूरी दुनिया में गई। अरे धरती ओढ़लस हरियर चुनरिया, अरे केसरिया घुंघटा तान के, धरती ओढ़लस पियर चुनरिया, हरियर घुंघटा तान के, आइल बाटे खुशिया लेके, होली नया बिहान के, हो फगुआ झूम के गाला, तनिका रंग उड़ाला, फगुआ जम के गाला, जतना रंग उड़ाला, बैठे के बाटे हो मचान पे, रोरी बरसे अबीर, रोरी बरसे, रोरी बरसे अबीर, रोरी बरसे, अरे पार्टी कवन बा भुला जा, भूल गया, अरे राजा बनारस है आजा, अरे लेला जी भर के मजा, अरे गंगा के पानी ताजा, अरे भंगिया पीला छान के, रोरी बरसे अबीर, रोरी बरसे, अरे रोरी बरसे अबीर, रोरी बरसे, अरे बड़का भाई जब जब गाई छटका देखा, नाच दिखाई, नाच दिखाई, नाच दिखाई, नाच दिखाई, नाच दिखा, रोरी बरसे अबीर, रोरी बरसे, अरे रोरी बरसे अबीर, रोरी बरसे, अरे रोरी बरसे अबीर, रोरी, अरे भौजी चढ़ल बा मचान पे, मालिनी जी इधर है, भौजी मालिनी जी इधर है,
भौजी कहाँ है? अरे भौजी चढ़ल बा मचान पे, रोरी बरसे अबीर, रोरी बरसे, रोरी बरसे अबीर, रोरी बरसे। अरे होली के रंग अलबेला, अरे हमरो मन बहकेला, एजे तो काल लगाई, अरे भौजी संगे फगुआ गाही, बैठब एही जे तान के, रोरी बरसे अमीर, रोरी बरसे, अरे रोरी बरसे अमीर, रोरी बरसे, अरे रोरी बरसे अमीर, रोरी बरसे, रोरी बरसे अमीर, रोरी बरसे। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो गंगा का जल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो गंगा का जल समझता है। रोरी बरसे अमीर, रोरी बरसे, रोरी बरसे अमीर, रोरी बरसे। अरे होली के रंग अलबेला, हमरो मन बहकेला, रोरी बरसे अमीर, रोरी बरसे, रोरी बरसे अमीर, रोरी बरसे, रोरी बरसे अमीर, रोरी बरसे, रोरी बरसे अमीर, रोरी बरसे। अरे भरे झोरी 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 बरसे, रोरी बरसे अमीर, रोरी बरसे। बहुत अच्छे, ये मनोज तिवारी का रंग है, ये हमारी मिट्टी का रंग है, ये हमारे लोक का रंग है। और इसके लिए अज्ञे ने कहा है कि इन्हीं के ढोल बादल बांसुरी के विहगते स्वर में हमारा देश बसता है। तो ये हिंदुस्तान का स्वर है। आप सबको होली बहुत बहुत मुबारक हो। मस्ती तो ऐसी चढ़ी है, लग रहा है कि हम यहाँ पर भांग का, हमने कहा था भांग नहीं सिर्फ ठंडाई बनेगी यहाँ पर। आप लगता है कि काशी भी एक प्रकार का भांग है? हाँ। काशी के मस्ती को जिसने समाहित कर लिया, हाँ, उसको भांग और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये तो उनकी नगरी है ना, जो भांग और क्या क्या सब पचा लेते हैं। दुनिया में जो कुछ भी ऐसा है जिसे कोई स्वीकार न करे, हाँ, उसे शंकर स्वीकार करते हैं। इसीलिए उन्हें देवाधिदेव कहा जाता है। उसे तो ऐसा करिए, देवाधिदेव के गंगा किनारे मनोज भैया यहाँ विराजे आप, ताकि हम और कलाकारों को आपको सुनवा सकें। आपने बहुत अद्भुत काम करा, आपने मस्ती ला दी, रंग पैदा कर दिया आज होली का। जितने लोग आपको देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के सितारों में मनोज तिवारी सबसे ऊपर। और आज हमारे गाने से विश्वास पैदा हुआ होगा लोगों को। चलिए अच्छा है कि विकास पैदा नहीं हो रहा है, विश्वास ही पैदा हुआ है। ये विश्वास के साथ विकास आएगा। अच्छा विकास आएगा, चलिए जिम्मेदारी है। आए नेता 5 बरस में घर में चोरी तो, 5 बरस में आए नेता 5 बरस में घर में चोरी तो, लेकर वोट कसाई ने भर लीनी खूब तिजोरी, भर लीनी खूब तिजोरी। फिर क्या हुआ? फिर नेता गिरा रे नोटों के फुल अंबार पे, नेता गिरा रे नोटों के फुल अंबार पे, नेता गिरा रे। अगली बंद में देखिएगा नेता जी कहाँ गिरते। सुनो कुमार जी, चलती संसद में पल भर में नेता हुआ विलोपी, चलती संसद में पल भर में नेता हुआ विलोपी, में ज्वाला भड़का दी दारू उसने वो भी, चमचों को ऑर्डर देकर बुलवाई उसने गोपी, और गोपी के चरणों में उसने धर दी अपनी।
गीता गिरा रे पायलिया की झंकार पढ़ती हूँ और आखिरी बंद में नेताजी को कहाँ गिराती हूँ देखिएगा। बोरा भर व्यापारी लाया दे हो रिश्वत रानी, बोरा भर व्यापारी लाया दे हो रिश्वत रानी, छर्रों से गुल छर्रों से तब खूब हुई मनमानी, फिर इंस्टिंग ऑपरेशन में फंस गए राजा जानी, फिर इंस्टिंग ऑपरेशन में फंस गए राजा जानी, और गुपचुप खींची टीवी ने दिखला दी सही कहानी, दिखला दी सही कहानी। फिर क्या हुआ? फिर नेता गिरा रे, गिर रहा है, हाय नेता गिरा रे, सीधे ही जेल तिहाड़ में।